हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है व्रण। ठीक है, व्रण को जो है व्रण के बारे में जैसे अगर क्वेश्चन आता है तो 15 मार्क्स के लिए ऐसा आ जाता है कि निज व्रण के भेद गंध या ऐसे लिख के उसकी चिकित्सा लिखी, या फिर जो है वो आगंतुज व्रण या फिर जो सद्योव्रण जिसे बोलते हैं सद्योव्रण आ जाता है 15 मार्क्स के लिए, या अलग से अगर 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आना हो तो इसमें से षष्ठी उपक्रम का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ व्रण का टॉपिक। ये एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं आपको लास्ट पहले मैं आपको ये सब बताऊंगी कि व्रण की निरुक्ति परिभाषा लक्षण आदि जो है ये लिखे हैं मैंने, ये सब बताऊंगी। और मैं लास्ट में आपको बताऊंगी अगर आपको 15 मार्क्स के लिए आता है तो आपको एट द एंड लिखना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्रण की निरुक्ति के बारे में। व्रण की निरुक्ति क्या है? व्रण गात्र विचूर्णे व्रणयति इति व्रण। ठीक है, व्रण उसे कहते हैं जो गात्र का विचूर्णन कर दे। विचूर्णन का मतलब होता है जैसे टिश्यू को डैमेज करना, यानी जो डैमेज करने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? व्रण बोलते हैं। फिर आते हैं व्रण की परिभाषा। व्रण की परिभाषा क्या बोली है? व्रणोति यस्मात रूढ़े अपि व्रण वस्तु न नश्यति, यानी व्रणोति यस्मात रूढ़े अपि, यानी अघात है ये। एक व्रण क्या होता है? घाव होता है, यानी व्रण के हो जाने पर, मतलब व्रण अगर भर भी गया रूढ़ भी हो गया तो व्रण वस्तु न नश्यति। व्रण वस्तु क्या होती है? जो स्कार मार्क बन जाता है, यानी जो चिन्ह बन जाता है वो नहीं नष्ट होगा। आदेह धारिया तस्मात, जब तक मनुष्य देह का धारण करके रखता है यानी जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक व्रण वस्तु रहती है, यानी जो व्रण है जो घाव है उसका निशान रहता है, यानी व्रण वस्तु न नश्यति। व्रण इति उच्यते बुद्ध, यानी जो मतलब जानने वाले लोग हैं वैद्य टाइप के लोग हैं वो क्या बोलते हैं इसको? इसको व्रण बोलते हैं। ठीक है, व्रणोति यस्मात रूढ़े अपि व्रण वस्तु न नश्यति आदेह धारणा तस्मात व्रण इति उच्यते बुद्ध। व्रण के भर जाने पर भी देह धारण तक जो व्रण वस्तु नष्ट नहीं होती और इसी को जो है वो हम व्रण कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं व्रण के कारण और संप्राप्ति। अब हमें व्रण के जो कारण और संप्राप्ति, कारण भेद से जैसे हमें पता है कि जो व्रण है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है निज और एक होता है आगंतुज। ठीक है, तो निज क्या होता है कि हमारे जो देह के जो वात आदि दोष हैं, यानी तीनों दोष हैं वो प्रकोपित होंगे, वो प्रकोपित होकर व्रण की उत्पत्ति करेंगे, दैट इज निज व्रण। आगंतुज में क्या होगा? बाहरी कारणों की वजह से होता है, तो इसके आगंतुज है जो इसके कारण क्या होंगे? जैसे कि हिंसक पशु आदि के द्वारा काटा जाना, या फिर पुरुष पक्षी सर्प आदि के द्वारा काटा जाना, गिर जाने की वजह से, दब जाने की वजह से, अग्नि क्षार विष के प्रभाव की वजह से, तीक्ष्ण औषधियों की वजह से, लकड़ी या पत्थर आदि के जो टुकड़े होते हैं, चक्र या भाला, ये जो जो भी शस्त्र हैं उनके आघात होने से क्या होता है? आगंतुज व्रण की उत्पत्ति होती है। फिर हम पढ़ते हैं निज के बारे में। निज के कारण क्या होंगे कि जो भी वात प्रकोपक, जैसे अगर निज क्या है? दोषों की वजह से, यानी दोषों को प्रकोप वाले जितने भी कारण है, जैसे वात के जो निदान है उनकी वजह से वात प्रकोपित हो जाएगा, पित्त के जो उष्ण अम्ल क्षार आदि निदान है उससे पित्त प्रकोपित हो जाएगा, गुरु स्निग्ध इन सब कारणों से कफ प्रकोपित हो जाएगा। यानी जो अपने हेतु है, इनके जो दोष है उनके अपने हेतुओं की वजह से क्या होते हैं? तीनों दोष प्रकोपित होके बाह्य मार्ग में आश्रित होते हैं। ठीक है, बाह्य मार्ग में आश्रित होके शरीर में निज व्रण उत्पन्न कर देते हैं, ये जो है वो निज व्रण के बारे में बताया। ठीक है, आगंतुज से तो जैसे विष का प्रभाव या हिंसक जानवरों के गिरने की वजह से सीधे ही व्रण की उत्पत्ति होती है, फिर दोष प्रकोपित होता है, लेकिन निज में पहले दोष प्रकोप होके बाह्य मार्ग में स्थित होके व्रण की उत्पत्ति करेंगे। तो ये हमने पढ़ लिया कारण और संप्राप्ति। अब हम आते हैं भेद पे। भेद क्या है? पहली क्लासिफिकेशन तो हम पढ़ चुके कि कारण भेद से दो प्रकार का है, निज और आगंतुज। फिर हम दूसरी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, दूसरी होती है दोष अनुसार। ठीक है, दोष अनुसार ही होता है 15 प्रकार का, और कई जो आचार्य हैं वो क्या करते हैं? शुद्ध व्रण को भी इसमें ऐड कर देते हैं दोष अनुसार में, तो 15 प्लस शुद्ध व्रण यानी 16 भी मानते हैं कई। ठीक है, तो दोष अनुसार क्या है जो हम पढ़ते हैं? जैसे वातज पित्तज कफज रक्तज और सन्निपातज। वात पित्त कफ
रक्त और सन्निपातज, ये है ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो द्वंद्व जो हम बनाते हैं, जैसे वात पित्तज, पित्त कफज, वात कफज, फिर तीनों दोष के रक्त के साथ द्वंद्व बनाने हैं, और फिर सन्निपातज यानी वात पित्त कफ इसमें सेम हो गया। फिर जो है वो दो दो दोष को रक्त के साथ मिलाना है, फिर तीनों दोषों को रक्त के साथ मिलाना है। तो इस तरह ये करके जो है वो हमारे 15 प्रकार के हो जाते हैं, और एक इसमें ऐड हो जाता है शुद्ध व्रण। जैसे ये लिखा है वात पित्त कफ रक्त और सन्निपातज, ये नॉर्मल हैं तो जो दोष हैं। फिर हमने इनका द्वंद्वज बनाया वात पित्तज, वात कफज, पित्त कफज, ठीक है। ये सिर्फ इन तीन दोषों का द्वंद्वज है। फिर इनका रक्त के साथ बनाया वात रक्त, पित्त रक्त और कफ रक्त, ठीक है। फिर दो दो दोषों का रक्त के साथ वात पित्त रक्त, वात कफ रक्त, पित्त कफ रक्त, और फिर ये चार हो गए वात पित्त कफ और रक्त, ठीक है। तो ये हो गए 15 प्रकार के, और कई आचार्यों ने शुद्ध व्रण को ऐड करके 16 प्रकार का बोला दोष अनुसार। फिर हम पढ़ते हैं साध्या साध्यता के अनुसार, ठीक है। साध्य साध्यता के अनुसार जो व्रण होते हैं हमारे, वो होते हैं चार प्रकार के, साध्य व्रण, कृच्छ साध्य, याप्य और असाध्य। जैसे हमें पता है कि जो हमारी व्याधियां होती हैं वो दो प्रकार की हैं, एक तो साध्य होती हैं, एक असाध्य होती हैं। साध्य की भी फिर दो कैटेगरी हो जाती है, सुख साध्य, कृच्छ साध्य, असाध्य की भी दो कैटेगरी, याप्य और असाध्य। तो उसी प्रकार से व्रण को भी हम चार तरह से डिवाइड कर सकते हैं, साध्य, कृच्छ साध्य, याप्य और असाध्य, ठीक है। फिर हमारी चौथी क्लासिफिकेशन आती है रोहण के अनुसार, यानी हीलिंग कितनी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं। पहला आता है हमारा शुद्ध व्रण, ठीक है। शुद्ध व्रण रोहित, यानी जो हील हो रहा है, ठीक है, प्रोसेस में है हीलिंग की। फिर आता है रूढ़, रूढ़ मतलब जो हील हो चुका है व्रण। और फिर लास्ट आता है दुष्ट व्रण, ठीक है, जिसमें हीलिंग नहीं होगी, जो दुष्ट है, ठीक है। शुद्ध, रोहित, रूढ़ और दुष्ट व्रण। तो ये हमने क्या पढ़े, निरुक्ति, परिभाषा, कारण और संप्राप्ति और भेदों का हमने पढ़ लिया। अब हम इसी के अकॉर्डिंग इसके पढ़ेंगे लक्षण, जैसे कि जो दोषानुसार हैं वो कैसे होंगे और साध्यता साध्यता के अनुसार क्या क्या लक्षण अलग अलग आएंगे वो हम पढ़ते हैं। दोषानुसार हम पढ़ते हैं तो जैसे जो वातज व्रण होगा वो कैसा होगा, वात के जो नॉर्मल गुण है हमें पता है, जैसे कठिन, स्तब्ध होना, अल्पश्राव। तो जो वातज व्रण है वो कैसा होगा, स्तब्ध होगा, स्पर्श में कठिन होगा, उसमें से श्राव भी कम होगा लेकिन वेदना ज्यादा होगी, श्याव वर्ण का होगा, तोद बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, और स्फुरण भी होगा उसमें। तो ये वातज व्रण के हो गए। फिर आता है पित्तज व्रण के, हमें पित्त के नॉर्मल लक्षण जैसे पता है, तो पित्तज व्रण जो कैसा होगा, इसमें व्यक्ति को प्यास बहुत लगेगी, मतलब तृष्णा, मोह, ज्वर, ठीक है, क्लेद होगा, दाहा होगी उसको, और चीरने जैसी पीड़ा होगी, यानी अवधारण जैसी पीड़ा होगी उसमें, और उसमें से दुर्गंध आएगी। पित्तज वाले के में क्या आता है, दुर्गंध वाला लक्षण है, दुर्गंध होगी और दुर्गंधित श्राव होएगा, दुर्गंधी आएगी उसमें, ठीक है। फिर आता है कफज व्रण, जो कफज व्रण होगा उस वो अधिक जो है वो बहुपिच्छा, मतलब अधिक झाग वाला होगा, इसमें कफज में याद रखने का है बहुपिच्छा, ठीक है। ये चरक के अकॉर्डिंग है जो तीनों बता रहे हैं कि जो कफज है उसमें बहुपिच्छा होगा, गुरु होगा, स्निग्ध होगा, स्थैमित्य होगा, वेदना मंद होगी इसमें, क्लेद भी अल्प होगा और अधिक समय तक रहेगा ये, ठीक है, और पांडु वर्ण का होगा। तो ये हो गए हमारे दोष अनुसार। जैसे अगर द्वंद्वज आता है तो द्वंद्वज में क्या है, दोनों के लक्षण होंगे द्वंद्वज में। तो ये हमने आचार्य चरक के अकॉर्डिंग इनके लक्षण पढ़े। आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं, जैसे अगर वातज वर्ण होगा तो वो श्या वरुण वर्ण का होगा, तनु होगा, शीत होगा, स्फुरण होगा, आयाम होगा उसमें, ठीक है। पित्तज में वो क्या बोल देते हैं, शीघ्री पक जाएगा, नीले या पीले वर्ण का होगा, पलाश पुष्प को धोने के समान, जैसे जल जो निकलता है वैसा उष्ण श्राव निकलेगा, दाहा, पाक, राग, ये सब। फिर आता है कफज, कफज में वो बोलते हैं स्थूल ओष्ठ होंगे, यानी जो किनारे जो मार्जिन्स है ना वो मोटे होंगे और भयंकर खुजली होगी उसमें, मतलब कंडू ज्यादा होगा, पांडु वर्ण का होगा, कठिन होगा, गाढ़ा श्राव निकलेगा, शीत और शुक्ल श्राव निकलेगा, ठीक है।
तो ये हमारे हो गए वात पित्त और कफ के लक्षण, और जो द्वंद्व होते हैं उनमें दोनों दोषों के लक्षण होंगे, ठीक है। तो ये हमारे हो गए दोष अनुसार। अब हम पढ़ते हैं साध्यता असाध्यता के अनुसार क्या लक्षण आएंगे। पहला है सुख साध्य जो व्रण। सुख साध्य व्रण के बारे में क्या बोला आचार्य सुश्रुत ने कि जो युवा पुरुष है, मतलब युवा है या जो दृढ़ शरीर वाले हैं, जीवनीय शक्ति है, मतलब प्राणवतां यानी जीवनीय शक्ति है जिनमें, सात्विक पुरुष है, मन जिनका सही है, तो उनमें व्रण ऑब्वियसली जो है वो सुचिकित्सा होंगे, यानी आसानी होगी उनको ठीक करने में, ठीक है। बाकी इसके अलावा बोला है कि जो स्फिक है, गुदा है, इंद्रिय है, ललाट, कपोल, ओष्ठ, जत्रु के आसपास जो है व्रण, वो सुख पूर्वक यानी जल्दी भर जाते हैं। फिर आते हैं कृच्छ साध्य व्रण पे। कृच्छ साध्य व्रण के बारे में क्या बोला है, यानी जो कष्ट साध्य व्रण के बारे में सुश्रुत बोलते हैं, जो वृद्ध होंगे, कृश होंगे, अल्प प्राण शक्ति है, या जो डरपोक मनुष्य, उनमें जो व्रण होंगे वो कष्ट साध्य होते हैं। फिर बोला है कि जो वो होते हैं रोमांत हो गया, नख के समीप या फिर मर्म के आसपास जो भी होंगे वो कृच्छ साध्य यानी दुष्चिकित्सा बोला है उनको, ठीक है। कुष्ठ से जो पीड़ित है जिसमें, ठीक है, विष से व्याप्त है, शोष या मधुमेह का रोगी है, उसके जो भी व्रण होंगे ना वो कृच्छ साध्य होंगे। फिर आता है याप्य व्रण के बारे में बोला है। याप्य व्रण के बारे में बोला है जैसे अवपाटिका हो गया, निरुद्ध प्रकश हो गया, सन्निरुद्ध गुद हो गया, ग्रंथि की वजह से शत, मतलब ग्रंथि शत है, कृमि है, कोष्ठज कृमि है, त्वग दोष है, शर्करा में ही दंत शर्करा, ये जो बीमारियां मतलब सारी डिजीजेस हैं यानी विसर्प आदि से उत्पन्न जो भी है उर्षत की वजह से है, ये सारे व्रण क्या होंगे, याप्य होंगे, जो डिजीज से रिलेटेड है। मेनली इसमें सारी डिजीजेस आई है, अवपाटिका, ये सब, ठीक है। फिर उसके बाद बोला है असाध्य व्रण। असाध्य व्रण किसको बोला है कि जो भी सुख साध्य जो व्रण है, ठीक है, उनके अपोजिट ही होंगे ये असाध्य व्रण, ठीक है। जैसे कि अगर मांस पिंड के समान उठे हुए हैं, अधिक पोया या रक्त बह रहा है जिन व्रणों से, और जिनमें बहुत ज्यादा वेदना हो रही है, जो वो घोड़े के भगोष्ठ के समान जिनके ओष्ठ ऊंचे उठे हुए, ठीक है, कुछ कठिन जो होते हैं और दुष्ट श्राव जिनमें से निकल रहा है, मध्य में से उठे हुए हैं, ठीक है, वो और जिनमें से स्नायु आदि का जाल जैसे दिखाई दे रहा है, देखने में भी सही नहीं लग रहे, दूरदर्शन है जिनका, वसा मज्जा ये सब, ये श्राव बाहर आ रहा है जिनमें से, वो सारे व्रण क्या होंगे, असाध्य होंगे। तो ये सुख साध्य और असाध्यता की दृष्टि से व्रण के लक्षण होंगे। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं शुद्ध व्रण। शुद्ध व्रण के बारे में क्या बोला है, वात पित्त कफ इन तीनों दोष से जो आक्रांत ना हो, यानी तीनों दोष जिसमें प्रकोपित ना हो, जिसके ओष्ठ यानी जो किनारे हैं वो श्याव वर्ण के, ठीक है, श्याव वर्ण के जिसके किनारे हो, और बोला है कि जिसमें छोटी छोटी पीड़िकाएं हो, मतलब मांस अंकुर हो, ग्रेनुलेशन टिश्यू, कहने का मतलब है कि ग्रेनुलेशन टिश्यू की फॉर्मेशन दिख रही हो हमें, सभी भाग से समान है, वेदना या श्राव नहीं हो रहा जिसमें, वो कैसा होता है, शुद्ध व्रण होता है, ठीक है, क्लीन मुंड के बारे में बताना है। नेक्स्ट था हमारा रोहित, जिसमें हीलिंग हो रही है, जिसमें हीलिंग हो रही है उसके लिए बोला है कि कपोत वर्ण के समान होगा, ठीक है, जैसा कपोत होता है उसके वर्ण के समान वर्ण है, पोया आदि श्राव नहीं है, स्थिर होगा जो, और जिसमें बोला है पीड़िका वंतो, पीड़िकाओं से युक्त होगा, वही ग्रेनुलेशन टिश्यू, कहने का मतलब है कि ग्रेनुलेशन टिश्यू है उसमें पोया आदि का श्राव नहीं है, स्थिर है, इसके लिए वर्ण के बारे में बोला है कि कपोत वर्ण का होगा, ठीक है, ये यानी हीलिंग जो उसकी प्रोसेस है वो चल रही है। फिर पढ़ा था हमने रूढ़ व्रण, यानी जो हील हो गया उसके क्या लक्षण आएंगे, जिसका मार्ग भर गया हो, ग्रंथियां आदि नहीं है, अब ग्रेनुलेशन टिश्यू नहीं देखेगा क्योंकि वो पूरी तरीके से हील हो चुका है, यानी मांस आदि की ग्रंथियां नहीं दिखाई दे रही, जिसमें चारों ओर जो शोथ वगैरह ना हो, पीड़ा से भी रहित हो, और जो व्रण की स्थान की जो त्वचा है, देख इनमें अलग अलग कलर है कि श्याव है, कपोत है, लेकिन जो हील हो गया उसका कलर जो
उसके आसपास की त्वचा यानी नॉर्मल टिश्यू के समान ही उसका व्रण हो जाएगा। और तल भाग जो था यानी व्रण में क्या है, व्रण बनेगा, घाव बनेगा, तो वो जब हील होगा, हील यानी वो पूरा एरिया जो था वो भर गया है, ठीक है, तो ये रोड होगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था दुष्ट व्रण। दुष्ट व्रण के बारे में बोला कि जो दुष्ट व्रण है या तो वो अति संकुचित होगा, ठीक है, या फिर अधिक विस्तृत होगा, अति कठिन होगा, अति मृदु होगा, यानी सारी चीजें अति में होंगी, या कठिन ज्यादा होगा या बिल्कुल ही मृदु होगा, अति संकुचित या अति विस्तृत, अति उभारयुक्त होगा या अति उत्संगी होगा, ज्यादा पीड़ा युक्त होगा, दुर्गंधित होगा बहुत ज्यादा, ज्यादा दहा होगी उसमें, दुष्ट रक्त का श्राव हो रहा होगा, राग कंडू शोफ पीड़ा ये सब होगा, और या अति शीत होगा या अति उष्ण होगा, ठीक है। वहां वो जो दुष्ट व्रण होगा वो दुर्गंधित पुए मांस सिरा स्नायु आदि से युक्त होगा, पुए दुर्गंधित पुए निकलेगी उसमें से, देखने में और गंध दोनों ही विकृत होंगे उसके, ठीक है। और जो पीड़िकाओं के जो पीड़िकाओं से उत्द्रुत होगा, दहा पाक लालिमा ये सब होगा, ये सारे क्या है, दुष्ट व्रण के लक्षण है। तो ये हमने पढ़ लिए निरुक्ति परिभाषा कारण भेद और लक्षण, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं परीक्षा। परीक्षा जैसे हमें पता है कि तीन प्रकार की परीक्षा होती है, दर्शन स्पर्शन और प्रश्न, ठीक है। तो दर्शन में क्या करना है हमें, दर्शन से क्या होगा, जैसे दर्शन से अगर हम परीक्षा करेंगे तो इससे रोगी की वय का और जो व्रण है, व्रण की भी देख के व्रण को पता चलेगा, तो जैसे जो व्रण है उसके भी वर्ण का, या जो रोगी है उसके वर्ण वय इंद्रियां इन सब का पता चल जाएगा दर्शन से, ठीक है। फिर आता है स्पर्शन से। स्पर्श क्या होगा, स्पर्श से आप क्या पता चलाओगे कि वो जो व्रण है वो मृदु है या शीत है, ठीक है, मृदु है कठिन है शीत है या उष्ण, ये सब आपको स्पर्श करके पता चलेगा। फिर आती है प्रश्न परीक्षा। इससे प्रश्न के द्वारा आपको पता चलेगा कि जो व्रण है उसका कारण क्या है, व्रण में उसकी कैसी वेदनाएं हो रही है, रोगी से उसकी सात्म्या का पूछते हैं, उसकी जठराग्नि का पूछते हैं, तो ये सब जो है वो, तो दर्शन स्पर्शन और प्रश्न के द्वारा परीक्षा करनी है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पढ़ते हैं परीक्षा तक ही, अभी अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।